सर जी चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रैंकिंग के नेक्स्ट सीरीज को लेके आए हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स का ये कमेंट है, सर कोई भी गर्ल्स स्कूल किसी रैंकिंग में नहीं आता, या और पटना कौन से अच्छे स्कूल है जो कि रैंकिंग में आते हैं, जहाँ पे अभी भी एडमिशन चालू है फ्रॉम क्लास LKG to class 9th and 12th maybe. So if you are interested to know about that, this video is very important for you. So let's sign in. गर्ल्स स्कूल का पहले हम बात करने वाले हैं कि स्पेशली गर्ल्स स्कूल में कौन से ऐसे विद्यालय हैं जो कि टॉप रैंक में आते हैं। आप जान के अचंभित हो जाएंगे कि पटना का एक ऐसा विद्यालय भी है जो कि टॉप 100 में आता है, और टॉप 100 में नहीं टॉप 20 में आता है पूरे इंडिया में। That is Notre Dame Academy पटना, जिसका रैंक 12 है पूरे इंडिया लेवल पे। पूरे इंडिया लेवल पे इसका जो है 12 रैंक आया है गर्ल्स स्कूल के मामले में। इसके बाद जो सेकंड रैंक पे है वो पटना कार्मल हाई स्कूल, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। ये है कार्मल हाई स्कूल जो कि पटना बिहार से है। इसका स्कोर है 938 और ये 37 रैंक पर ये विद्यालय आता है। इसके बाद वहाँ आता है इंद्रपुरम पब्लिक स्कूल पटना, गर्ल्स स्कूल है ये 40 नंबर पे आता है और बिहार में 3rd रैंक पर है ये। उसके बाद आचार्य श्री सुदर्शन कृष्णा निकेतन पटना, कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल वो भी है जो कि 4 रैंक पे आता है। पटना में 4 रैंक पे है और पूरे इंडिया में 47 रैंक पे है। अगर बॉयज़ स्कूल की बात की जाए, बॉय डे स्कूल के बारे में, तो उसका जो नंबर रैंकिंग है वो बिशप स्क्वाड बॉयज़ स्कूल, इसका रैंकिंग पूरे इंडिया में 26 है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। और उसके बाद हम बात करें सर बोर्डिंग कौन सा है, कोएड भी हो और बोर्डिंग स्कूल हो, ऐसे विद्यालय भी हैं। पहला जो नंबर पे आता है वो DPS पटना ईस्ट, जो कि कोएड भी है, बोर्डिंग स्कूल भी है। बोर्डिंग स्कूल्स को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉल्स आता है, हमारे सर ऐसे स्कूल के बारे में बताइए जो कि बोर्डिंग स्कूल्स है और टॉप क्वालिटीज़ में आते हैं। DPS पटना ईस्ट, पर्सनली आई ऑल्सो प्रेफर दैट स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कैंपस एरिया, सो मेनी फैसिलिटीज़ दैट इज़ नाउ अ डे इन द मोस्ट डिमांडिंग। बहुत तरह की फैसिलिटीज़ DPS पटना ईस्ट प्रोवाइड कराता है बच्चों को, और जो कि बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि पटना में रहकर सबसे अच्छा विद्यालय कौन सा हो सकता है हमारे लिए। इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट मनी, तो इफ़ यू आर कैपेबल, दैन DPS पटना ईस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा कैंपस एरिया, स्विमिंग पूल से लेके जो भी चीज़ें आपको चाहिए सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर है। सिर्फ व्यवस्थाएं होना और उसको अच्छी तरीके से सुचारू रूप से संचालित भी किया जाना, वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो DPS पटना ईस्ट बी द वन विच होल्ड द नंबर 1 रैंक इन बिहार पटना एंड 42 इन ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद जो एक विद्यालय है वो, उसका नाम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल। ये भी बोर्डिंग स्कूल में एक लिस्ट में है और इसका जो रैंक है दैट इज़ द 81 इन ऑल इंडिया लेवल एंड 2nd रैंक आई थिंक सो इन पटना बिहार। उसके बाद हम बात करें कि सर और कौन से ऐसे विद्यालय है जो कि यहाँ पर रैंक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं कि हमारे लिए ऐसे कौन से विद्यालय हैं जहाँ पर हम एडमिशन करा सकते हैं। तो इन स्कूलों में वैकेंसीज हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ पे आप जाके इन स्कूलों पर विजिट कर सकते हैं। और 2 विद्यालय हमको लगते हैं कि यहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है अभी भी, दैट इज कॉल्ड बिशप स्कॉट बॉयज़ स्कूल, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद इंद्रपुरम पब्लिक स्कूल गर्ल्स स्कूल पटना, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। आचार्य श्री सुदर्शन कृष्णा निकेतन स्कूल, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद DPS पटना ईस्ट, मे बी यू कैन ट्राई देयर, एंड आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल, जिस पे हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, और स्पेशली हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस पे एक पूरा डिटेल वीडियो भी आने वाला है। पहले हम बात कर ले आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल, वहाँ पर जाके आप विजिट करके पर्सनली भी वहाँ पर और देख सकते हैं किस तरह का विद्यालय है, क्या है। इस पर हमारा स्पेशल वीडियो भी इस पर आने वाला है कि हाउ टू गेट एडमिशन इन दिस स्कूल, हाउ टू फिल द फॉर्म, हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। अब इसके बाद जो पेरेंट्स के दिमाग में आता है, सर डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, कितना एज रहेगा, कौन डॉक्यूमेंटेशन हमारे सबसे सटीक है, कैसे होगा एडमिशन्स, बहुत सारे प्रश्न पेरेंट्स के दिमाग में रहते हैं, होना लाजमी भी है। तो और पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हमारे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम आई बटन पर दे भी देंगे, जहाँ पे आप जाके अच्छे से देख पाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे तरीके से बात की जाए तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नर्सरी LKG UKG के लिए आप जा रहे हैं या किसी भी क्लास के लिए जा रहे हैं, तो DO भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रखता है। उसके बाद बच्चे का प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं सर प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड का क्या यूज़ है, बट नाउअडेज स्कूल इज डिमांडिंग द प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड, प्रीवियस ईयर आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद बच्चों का इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट्स, एड्रेस प्रूफ, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स के लिए चिंतित सर कौन सा एड्रेस प्रूफ दे, क्या बिजली बिल का फोटोकॉपी दे दे, पासबुक का फोटोकॉपी दे दे या इलेक्ट्रिसिटी बिल का फोटोकॉपी दे, क्या दे, क्या पटना का ही एड्रेस अच्छा रहता है, परमानेंट एड्रेस कहाँ का दे, टेम्प्रोरी एड्रेस कहाँ का दे। तो इसका सटीक आंसर यही है कि इफ़ यू वांट योर किड्स टू बी इन द पटना टॉप स्कूल देन यू शुड प्रीफर टू यूज़ द पटना एड्रेस आइदर यूजिंग टेम्प्रोरी ऑल्सो। परमानेंट एड्रेस आप कहाँ का कहीं का दे सकते हैं, टेम्प्रोरी आप पटना में रहते हैं, सपोज यू आर ए रेंटर सो यू शुड हैव अ रेंट एग्रीमेंट ऑल्सो रिगार्डिंग दैट। इसके बाद हम बात कर सकते हैं एग्जामिनेशन क्रैक कैसे किया जाए, जो बहुत बड़ा मुद्दा रहता है बहुत सारे पेरेंट्स का। तो एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए यू शुड हैव द प्रीवियस ईयर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 6 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको क्लास 5 का नॉलेज अच्छी तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का बुक आपको कमांड होना चाहिए, इंग्लिश का, हिंदी का, और जनरली थोड़ा सा ईवीएस और जीके से सवाल पूछे जाते हैं। पर अगर आपको 3 विषयों पे अच्छे से कमांड है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, तो चांसेस है कि आपके अच्छे विद्यालय में नामांकन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब तैयारी कैसे होगी सर? तैयारी आप हमारे माध्यम से भी करा सकते हैं बच्चों को, जहाँ पर हम 1 to 1 बच्चों को विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप वी आर एनरोलिंग देम, ट्राइंग टू हेल्प देम, ट्राइंग टू कल्टिवेट द नॉलेज एंड गिविंग द क्वेश्चन पेपर्स एवरी डे to solve them the better question that is can be asked in the examination। क्लास 1 की अभी तैयारी चल रही है हमारी, दैट इज सेंट माइकल्स स्पेशल बैच। इफ़ यू वांट टू इनरोलमेंट लेट ना करें, दैट इज वेरी लिमिटेड टाइम इज देयर। एंड इफ यू वांट योर किड्स टू बी इन द पटना टॉप स्कूल वी नीड अ काउंसलिंग। बहुत सारे पेरेंट्स का सर कैसे होगा, क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं, क्या ये डॉक्यूमेंटेशन सही है, और बहुत सारे सवाल होते हैं जिनको हम ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर पाते। इफ़ यू नीड अ पर्सनल काउंसलिंग वी कैन कॉल आवर नंबर दैट इज 9472163206 टू बी इन द पटना टॉप स्कूल। इसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है ट्यूटर का लेकर, ट्यूटर हमारे लिए चाहिए, ट्यूटर सबसे अच्छा प्रोवाइड कराने का हमारा संकल्प है। इफ़ यू नीड अ ट्यूटर इन पटना रीजन्स ओनली, अभी हम पटना रीजन को ही टारगेट किए हैं, धीरे धीरे अलग जिलों में भी हम अपनी बात करेंगे। बट इफ़ यू नीड अ ट्यूटर, गुड ट्यूटर, यू कैन हैव अ गुड tutor at your doorstep by calling the numbers we will provide you and try to provide you the best tutor for your kids so that he or she can help you to cultivate your child to be a good human being। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देना है। रैंकिंग का बात हो गया, कैसे एडमिशन्स होगा सर, कौन से विद्यालय बाकी हैं, और जैसी वैकेंसीज आउट होंगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो घंटी को बजाना नहीं भूले, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर ले, ऐसी वीडियोज़ हमारे बैक टू बैक आते ही रहते हैं। इफ़ यू वांट दैन प्लीज़ इनरोल आवर बैचेज दैट इज 9472163206। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत। गुड बाबू, टेल मी द स्पेलिंग ऑफ जेलीफिश। जेलीफिश का बताइए बाबू। जेलीफिश